अगर आप सैमसंग कंपनी का महंगा फ्रिज लेने की सोच रहे हो तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। नागपुर में एक ग्राहक ने एके गांधी होम अप्लायंस से 72,000 रुपए का सैमसंग कंपनी का डबल डोर फ्रिज खरीदा, जिस पर 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी थी, लेकिन सैमसंग कंपनी का ये फ्रिज महज 5 साल में ही खराब हो गया और अब कंपनी ना इसे सुधार कर दे रही है ना इसे बदल कर दे रही है, इसलिए ग्राहक को अब ठगा हुआ महसूस हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सावनेर में रहने वाले मोहम्मद जावेद, इन्होंने 2016 में सैमसंग कंपनी का 72,000 रुपए का डबल डोर फ्रिज खरीदा। सैमसंग कंपनी ने इस फ्रिज पर 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी दी थी, लेकिन 5 साल में ही फ्रिज में लीकेज आने का प्रॉब्लम शुरू हुआ और कंप्रेसर भी खराब हुआ। पिछले साल भर से मोहम्मद जावेद एके गांधी होम अप्लायंस में चक्कर मार रहे हैं कि उनके फ्रिज को सुधार दिया जाए, लेकिन डीलर कंपनी पर मामला ढकेल रहा है और सैमसंग कंपनी ने अपना हाथ झटक दिया है। कंपनी के इस रवैये से ग्राहक परेशान हो गए और अपना केस जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिसान सिद्दीकी के पास ले गए। उन्होंने मामले को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाने की बात कही है। पहले डीलर क्या कहते हैं ये सुनते हैं। ये जो फ्रिज खराब हुआ 1 साल के अंदर नहीं हुआ है, 2016 में कुछ खरीदा गया है ये, और 2021 में शायद इनकी कंप्लेंट आई थी। होता क्या है कि हम लोग जो है, हम लोग एक अधिकर्ता डीलर है, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। इसकी जो भी सर्विस होती है ये कंपनी प्रोवाइड करती है, हम लोग उसके एक मीडिएटर हैं कि भाई आपको कंपनी सर्विस नहीं दे रही, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। कंपनी सॉल्व आउट इसलिए नहीं कर रही, कंपनी का बोलना ऐसा है कि अभी ये मेरी पॉलिसी में नहीं आ रहा है, उसके लिए हमारी कंपनी वालों से बात चल रही है। नहीं ना, बिल्कुल हमारे पास आएगा, वो क्यों कंपनी के पास जाएगा भाई, उसको तो हमारे ऊपर फेत है ना। हाँ तो हम लगे हैं ना उसके पीछे में, डेढ़ साल नहीं हुआ, 6-7 महीने हो गए। मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन हमारे भी कंपनी से प्रोसेस चल रहा है, इसका जो भी डिसीजन लेंगे कंपनी लेंगे। अगर मैं मैन्युफैक्चरर रहता तो मैं डिसीजन ले लेता था। और कितने समय लग सकता है इसके लिए? जी ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा इसका। तो ये आप जो अपने डीलर हो, आप बाकी सब का हर कंपनी के माल आपके पास रखते हैं, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये आपके शोरूम के लिए गलत चीज़ नहीं है क्या? नहीं, हमारे लिए तो गलत है ना, हम इसलिए कंपनी से बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने मतलब ऐसा जो हादसा है ये कभी वो हुआ ही नहीं हमारे सामने, अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हम भी कंपनी से बात करेंगे। आज जावेद भाई नाराज है, कल आप नाराज होंगे, आप और दो कस्टमर हमारे ख़राब करेंगे, हमारे को तो बिजनेस ही कस्टमर बेस है ना, हम नहीं चाहेंगे हमारा कस्टमर खराब हो, और हम तो हमेशा सदैव कस्टमर के साथ हैं। अब ग्राहक को क्या परेशानी फ्रिज से हो रही है वो जानते हैं। वही जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिसान काजी ने इस विषय पर सैमसंग कंपनी से बात करने पर उन्होंने क्या जवाब दिया उसे भी देखते हैं। ये जो इन्होंने जावेद भाई ने अभी आपको बताया, इन्होंने जो फ्रिज परचेस करे थे, बाकायदा 10 साल की वारंटी देकर के दिया गया था इनको फ्रिज, 72,000 रुपये का फ्रिज लिया था इन्होंने, जब 10 साल की वारंटी बोलकर फ्रिज दिए थे, अभी ये ऐसा आ गया कि इंटरनल लीकेज रहे, इंटरनल प्रॉब्लम जो रहेंगी, इंटरनल प्रॉब्लम जो भी रहेंगी फ्रिज में, उसमें कस्टमर का कोई लेना देना नहीं रहता है। फिजिकल डैमेज अगर होता है तो कस्टमर की गलती रहेंगी, इंटरनल इश्यूज़ जो आएगा वो जाहिर सी बात है कंपनी का रहेगा। इनका कंप्रेसर भी बैठ चुका है पूरे तरीके से, 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, 2026 तक, जबकि इनका वारंटी वैलिड है। ये जो मेल करे थे प्रियांक अग्रवाल साहब को एके गांधी से, यशवंत स्टेडियम के पास जो एके गांधी है, तो इन्होंने मेल का जवाब ये भेजा, यूनिट इज़ नॉट रिपेरेबल एज सैमसंग प्रोसेस एज देर इज़ इंटरनल लीकेज। दूसरी बात, कस्टमर डिमांडेड 20% ऑफ बिल अमाउंट प्लस न्यू कंप्रेसर अमाउंट विच कैनॉट बी प्रोसेस्ड। कस्टमर ने 20% कभी मांगा ही नहीं, कहीं अगर इनके पास लिखित में है, आपके पास है ऐसा लिखित में, अगर कस्टमर का ये बता दे कि 20% मांगा गया फ्रिज का, तो हम ऐसी ये फ्रिज को छोड़ देंगे। जब कस्टमर ने 20% बिल अमाउंट का मांगा ही नहीं, तो ये मेल में जवाब ये क्यों दे रहा है प्रियांक अग्रवाल के, इन्होंने 20% बिल का मांगा प्लस न्यू कंप्रेसर का अमाउंट जो कि हम प्रोसेस नहीं कर सकते। ये आपके सामने, मैं इसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा। जब इंटरनल मामला आया था, इंटरनल लीकेज आया था, तो वो कंपनी का जिम्मेदारी है कि जब इनकी चीज़ वारंटी पीरियड में है तो उस मसले को सॉल्व किया जाए। इन्होंने डायरेक्ट लिखित में मेल में बोल दिया
कि प्रोसेस नहीं हो सकती तुम्हारी रिक्वेस्ट। अब ये 10 साल बड़ा बड़ा दिखाना, 10 ईयर वारंटी, और जब वारंटी पीरियड में रहता है तब इन्होंने 72,000 रुपये खर्चा करने के बाद सावनेर से नागपुर आना, अपनी चप्पल घिसना, ये कहाँ तक के कंज्यूमर के साथ में इंसाफ है? इसलिए हम प्रियांक अग्रवाल को, सैमसंग कंपनी को बताना चाहते हैं कि अब हम आप लोगों को, अगर आपने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम आपको ज़रूर ज़रूर कंज्यूमर फोरम का न्योता जल्द से जल्द भेजेंगे। सैमसंग कंपनी विज्ञापन में अपने सेटिस्फाइड ग्राहक को दिखाती है और ये बताती है कि उनकी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है और ग्राहक को कोई परेशानी उनके प्रोडक्ट से नहीं आएगी। लेकिन असल में जब प्रोडक्ट से ग्राहक को परेशानी होती है तो सैमसंग कंपनी अपना पल्ला झाड़ देती है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैंने 72,000 रुपये का 600 लीटर का फ्रिज लिया था। 2 साल चलने के बाद में फ्रिज में प्रॉब्लम आ गया। मैं एके गांधी में 10 से 15 मरतबा यहाँ आया हूँ प्रॉब्लम लेके, पर अभी तक मेरा प्रॉब्लम साल नहीं हुआ है। मेरे को देते वक्त 10 साल की वारंटी बोल के फ्रिज दिया गया है, ख़राब होके 1.5 साल हो गया। मैंने 1.5 साल से कंप्लेन कर रहा हूँ इनको, फ्रिज ठंडा नहीं होता है। वो कंपनी के ऊपर बोलते हैं, कंपनी कुछ रिप्लाई दे रही नहीं है। तो हमारी जो जनता फाउंडेशन के जो जीशान भाई है, जीशान भाई सिद्दीकी, तो मैं उनके माध्यम ने उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताया हूँ, वो ये केस को अब वो हैंडल कर रहे। कैमरा पर्सन दिलेश हजार के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV24 नागपुर। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड। अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें, कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर। हमारी वेबसाइट www.abilityev.com।